हेलो स्टूडेंट्स आज क्लास प्लस वन यूनिट नंबर वन फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स के लेक्चर नंबर ट्वेंटी फिफ्थ में हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स पार्ट थ्री तो फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रायंगुलेशन मेथड डिस्कस किया था सेकेंड पार्ट में हमने पैरलेक्स मेथड, कैपलर्स मेथड, इको मेथड, सोनार मेथड, रडार मेथड, लेजर मेथड को डिस्कस किया था अब इस ट्वेंटी फिफ्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉपर निकस तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सन है उसके अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और अर्थ भी एक प्लैनेट है सन एंड अर्थ के बीच में दो प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं मर्करी एंड वीनस तो इन प्लैनेट्स को हम बोलते हैं इंफीरियर प्लैनेट्स तो कॉपर निकस मैथड जो है दिस मैथड इज यूज फॉर दी डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ और सन तो कॉपर मैथड से हम इनफीरियर प्लैनेट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अर्थ एज वेल एज फ्रॉम सन और ये जो मैथड है तो इस मैथड में जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो यहां पर कि ये सन है ये एक इंफीरियर प्लेनेट है और ये अर्थ है और हर प्लेनेट अराउंड द सन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो अब अगर हम मान लें कि सन और प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस है आर वन सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए यू और जब प्लैनेट और अर्थ सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि उनके बीच में प्लेनेट और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड प्लेनेट का और अर्थ का जो टाइम पीरियड है रिवॉल्विंग अराउंड द सन वो डिफरेंट है बट एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब अर्थ और प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन एंड प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उस वक्त ये जो एंगल है पी ई -E एस प्लैनेट अर्थ और सन के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलोंगेशन तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और इस सिंबल को हम बोलते हैं एपसाइलन ये सिंबल एप्साइलन है बट ये यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैनेट्स एलोंगेशन और जब सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन प्लैनेट और अर्थ को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी तब ये एंगल मैक्सिमम होगा तो इस वक्त का हम इंतजार करेंगे जब ये सिचुएशन अकर करेगी है ना तो उस वक्त फिर क्या होगा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में P, E एंड S इस राइट एंगल ट्राइंगल में या एस पी ई या ई पी एस तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन की वैल्यू क्या होगी एप्साइलन के सामने ये परपेंडिकुलर है ये बेस है ये हाई है तो साइन की वैल्यू साइन एफसाइलन की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर ओवर हाई पोटिन्यूज तो साइन एप्साइलन आर वन ओवर आर तो आर वन की वैल्यू क्या होगी आर साइन एप्साइलन जो एप्साइलन है ये एंगल हम मेजर करते हैं अब अगर इसी राइट एंगल ट्राइंगल में आप कॉज की वैल्यू निकालो तो कॉज कैसे होगा बेस ओवर हाई तो बेस आर टू क्या होगा आर कॉज तो अगर हमने एपसाइलन को नोट कर लिया तो आर हमें मालूम है आर क्या है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो यहाँ पे या यहाँ पे आर और एप्साइलन की वैल्यू सब्सिट्यूट करने से हमें आर वन आर टू कैलकुलेट हो जाएगा अब आर वन क्या है इन्फीरियर प्लानट और सन के बीच में डिस्टेंस और आर टू क्या है इन्फीरियर प्लानट एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं नेक्स्ट है एवोगेड्रोज मेथड में हम साइज ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉर्मली जो सब्सटेंस है जैसे मेटल मेटल पीस पीस है है कोई भी चाहे आयरन है चाहे कॉपर है, है तो अगर उस पीस के अंदर हम एटम्स की प्लेसमेंट को देखें तो आप क्या नोट कर रहे हो कि ये जो ग्रीन बाउंड्री है ये सबस्टांस है और ये उसके अंदर एटम्स है तो अब यहां पे क्या देख रहे हो कि ये खाली जगह जो है उसको हम वाइड बोलते हैं तो किसी भी सब्सटांस के अंदर जो एटम्स है उन्होंने जो एक्चुअली वॉल्यूम ऑकुपाई किया हुआ है वी ए वो पूरे सबस्टांस का टू थर्ड है तो वी क्या है पूरे सबस्टांस का वॉल्यूम और वी ए क्या है कि उस सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिटुएंट एटम्स हैं उन्होंने जो एक्चुअली वॉल्यूम कवर किया हुआ है तो टू थर्ड ऑफ टोटल वॉल्यूम है इट मीन वन थर्ड वॉल्यूम जो है वो है खाली है वैक्यूम है तो अगर आप ये बात याद रखते हो इसको एवो गड्रोज हाइपोथीसिस बोलते हैं तो अब अगर हम मान लें कि जिस सब्सटेंस के एटम के साइज को हमने डिटरमिन करना है स्मॉल एम क्या है उसका मास है V क्या है उस सब्सटेंस का वॉल्यूम है और रो क्या है उस सब्सटेंस की डेंसिटी है और कैपिटल एम क्या है एटॉमिक मास तो क्योंकि डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम तो वॉल्यूम हो गया मास ओवर डेंसिटी इक्वेशन नंबर वन अब जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर आर एट एक एटम एक एक का रेडियस है तो एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा क्योंकि एटम सेल शेप का होता है तो एक एटम का वॉल्यूम होगा फोर बाई थ्री पाई है ना ये याद रखना आपने अब यहाँ पे देखिए मोल अप्लाई किया क्योंकि जो हमारा है है उसका गिवन मास बट कैपिटल एम क्या है उसका एटॉमिक मास तो N क्या है यहां पे एवोगाड्रोज नंबर तो किसी भी सबस्टांस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते हैं गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटांस में तो एवोगैड्रो नंबर इनटू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इक्वेशन नंबर टू ये मोल कंसेप्ट में आप स्टडी करते हो अब क्यों तो इट मींस अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास स्मॉल एम है कैपिटल एम उसका एटॉमिक मास है तो उस सब्सटेंस के अंदर कुल कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो वो एन बाय कैपिटल एम है और वेयर एन क्या है एवोगैड्रो नंबर अब अगर एक एटम का रेडियस स्मॉल आ है तो एक एटम का वॉल्यूम हो गया by pi r q, तो, तो वॉल्यूम वॉल्यूम बाय दा एटम्स एटम्स इन सब्सटेंस सब्सटेंस कितना हो गया एक एटम का जितने कुल नंबर ऑफ है उस में नंबर टू और को मल्टीप्लाई करके नंबर फोर आ गई अब हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो एक्चुअल अवेलेबल है तो अब VA की वैल्यू हमने इक्वेजन नंबर फोर से और टोटल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू इक्वेजन नंबर वन से यहां सब्सिट्यूट कर देनी है तो ये सब्सिट्यूट करके सॉल्व किया तो वहां से आप रेडियस ऑफ एटम निकाल सकते हो और अगर मान लो नेक्स्ट मेथड है जिसमें हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं तो ओलिक एसिड जो है उसके मॉलिक्यूल का साइज हमने निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम वन बाय फाइव हंड्रेड कंसेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड सोल्यूशन तैयार करेंगे कैसे कि उसमें हम वन सीसी ऑफ ओलिक एसिड एल्कोहल में मिक्स करेंगे अब विद हेल्प ऑफ ड्रॉपर हम एन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन तो जो सॉल्यूशन हमने ऑलिक एसिड का तैयार किया वन बाय फाइव हंड्रेड कंसेंट्रेशन वाला तो उसकी जो एन ड्रॉप्स हैं वो हम पोअर करेंगे ओवर ए ट्रफ ट्रफ बेसिकली एक प्लेट है और उस प्लेट के ऊपर हम ये ड्रॉप्स को पोअर करेंगे ना अब मान लीजिए एक ड्रॉप का वॉल्यूम अगर वी है तो अगर हमने एन ड्रॉप पोअर की तो टोटल वॉल्यूम एन वी हो गया ठीक है अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा जो एल्कोहल है क्योंकि हमने ये सोल्यूशन एल्कोहल में प्रिपेयर किया अब जो एल्कोहल है वो इवेपोरेट हो जाएगी और एल्कोहल के इवेपोरेट होने के कारण सिर्फ ऑलिक एसिड ही जो प्लेट है उसके ऊपर बचेगा अब क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम हमने स्प्रे किया है प्लेट के ऊपर वो है एनवी तो पर उसमें से अल्कोहल तो इवेपोरेट होगी तो इट मीन्स जो ऑलिक एसिड का वॉल्यूम है प्लेट के ऊपर वो एक्चुअली कितना है एनवी सोल्यूशन का वॉल्यूम था ना तो वन बाय फाइव हंड्रेड कंसेंट्रेशन होने के कारण क्योंकि अल्कोहल जब वेपोरेट हो जाएगी तो बाकी कितना है ओलिक एसिड का वॉल्यूम अवेलेबल होगा प्लेट के ऊपर वो होगा एन वी बाय फाइव हंड्रेड अच्छा अब ये जो ओलिक एसिड की लेयर है इसके ऊपर हम ट्रेसिंग पेपर या ग्राफ पेपर जिसको बोलते हैं उस वो लगा के टच करके प्रेस करेंगे और प्रेस करने के साथ क्या होगा कि जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर जो ऑलिक एसिड लेयर है ना उसके निशान आ जाएंगे अब उन निशान का हम एरिया निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ तो जब हमने एरिया निकाल लिया मान लीजिए वो जो ये जो ऑलिक एसिड लेयर है इसका एरिया है कैपिटल ए तो अब क्योंकि ऑलिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो है एन बी बाय फाइव हंड्रेड तो अगर ऑलिक एसिड लेयर का एरिया सरफेस एरिया ए है और थिकनेस टी है तो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड लेयर कितना हो गया ए इंटू टी और वो इसके बराबर होना चाहिए तो वहां से हम थिकनेस ऑफ ऑलिक एसिड लेयर निकाल सकते हैं अब ये ऑलिक एसिड लेयर इतनी पतली होनी चाहिए कि इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही की थिकनेस ही होगी तो इट मीन्स अगर ऑलिक लेयर जो हमने ट्रफ पे डिपॉजिट की है अगर उसकी थिकनेस इतनी कम है कि उसमें एक मॉलिक्यूल की थिकनेस है तो इट मीन्स ये T क्या रिप्रेजेंट कर रही है ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंट करेगी तो इस तरह से हम ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज नोट डाउन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली तो ये कुछ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स है जो आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सो थैंक यू वेरी मच